जिस रेस से हमारे टैंक में कैल्शियम यूज होता है उसी तरीके से हमारे टैंक में मैग्नीशियम भी यूज होता है। क्यों हमें डोजिंग करना पड़ता है? हमें डोजिंग इसलिए करना पड़ता है गाइस, क्योंकि हमारा जो टैंक है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑब्जर्व करता है बढ़ने के लिए, राइट? तो इसलिए हमें मैग्नीशियम डोजिंग करना है। तो मैग्नीशियम डोजिंग किस तरीके से बनाना ही है और किस तरीके से आपको डोज करना है, चलते हैं और जानते हैं गाइस। चल रहा है आपका एक्वेरियम हॉबी? होप आपकी हॉबी अच्छी चल रही होगी, एंड नहीं चल रही है, डाउट है, तो डोंट वरी गाइस, आई एम देयर फॉर यू। तो चलते हैं गाइस और जानते हैं हमारे टैंक में मैग्नीशियम को बढ़ाना है, मैग्नीशियम लेवल को, तो किस तरीके से बढ़ाएं, कौन सा प्रोडक्ट यूज करें और किस तरीके से मैग्नीशियम के लिए डोजिंग बनाएं। सो गाइज, आज हम चलेंगे और जानेंगे एक्वा फॉरेस्ट का मैग्नीशियम सॉल्यूशन किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले गाइज, आप एक्वा फॉरेस्ट का मैग्नीशियम का एक बकेट जो कि ऑनलाइन अमेज़न पे मिलता है वो आप ले लीजिएगा। रीफ मिनरल सॉल्ट जो कि अमेज़न पे मिलता है, आप वहां से उसको परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं गाइज। रीफ मिनरल सॉल्ट जो हमारे कोरल्स, जो हमारे टैंक में मैग्नीशियम लेवल्स और बाकी सब मिनरल्स ऐड करता है, उसके लिए आप जो है ये चीज को परचेस कर सकते हैं। एक ग्लव्स वो ले लीजिएगा आप, स्टोरेज कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग जो कि है ए एंड बी, ये आपको लेना है। एक फीडर जिसकी हेल्प से हम हमारे जो मैग्नीशियम सॉल्यूशन है उसको मिक्स करेंगे, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, स्टोरेज ए स्ट्रॉन्ग बी, ये दो चीज आपको लेना है गाइस। एक वेसल जिसमें आप 1 लीटर सॉल्यूशन आपका अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं, एंड सब मिक्सर करने के पहले आप अच्छी तरह से ग्लव्स पहन लीजिए, क्योंकि कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा पार्टिकल आपके बॉडी को हार्म करे, एलर्जिक हो, इसके लिए आप ग्लव्स हमेशा पहनिए। नाउ गाइस, यहाँ पे हमने एक वेट मशीन यूज की है जो कि डिजिटल वेट मशीन है, हार्डली 300 रुपीज के अंडर में ऑनलाइन मिल जाता है। ये जो मैंने परचेस किया है दिस इज फ्रॉम Amazon, इवन इफ यू वांट आप भी जाके Amazon से परचेस कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। 300 रुपीज के अंदर आता है गाइस, वेट आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। सो आप जिस भी वेसल के अंदर आप मेजरमेंट करेंगे उसको सबसे पहले आपको इसके ऊपर रख लेना है इस तरीके से, एंड जब आपका वेट वहां पे दिखाएगा वेसल का, जो भी बर्तन आप रखे, तो राइट साइड में जो सेकंड बटन है उसको आप दबा के आपका जो लेवल है वो जीरो कर लीजिए। नाउ मैग्नीशियम के जो पैलेट्स हैं, जो ग्रेन्यूल्स हैं, जो छोटे छोटे बारीक टुकड़े हैं, उसको आप इसके अंदर डाल लीजिएगा। 10 ग्राम आपको लेना है गाइस। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहा हूँ 20, मतलब मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ मैं 2 लीटर्स के लिए बना रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे 20 ग्राम्स के आसपास लेना है गाइस। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो हम इसको 20 कर लेते हैं। इस तरीके से आप इसको 20 ग्राम कर लीजिएगा गाइस। अगर जो आप 10 ग्राम लेंगे तो वो आपके 1 लीटर के लिए यूज होएगा, तो मैं आपको 10 ग्राम का भी बता देता हूं गाइस। इस तरीके से आप वेट कर लीजिएगा, 10 ग्राम से ज्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि कंपनी का जो रेशियो है दैट इज 10 ग्राम फॉर 1 लीटर, तो उससे ज्यादा आप मत यूज कीजिए। और अगर जो आप
2 लीटर के लिए मिक्स कर रहे हैं, तो इस तरीके से 20 ग्राम्स आप ग्रेनुल्स ले लीजिएगा गाइस। और मैग्नीशियम ग्रेनुल्स लेने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से वैक्यूम पैक जो सील है उसके ऊपर कप लगा के ढक्कन को अच्छी तरह बंद कर लीजिएगा, नहीं तो एयर लगेगा, वो एयर में रिएक्ट करेगा और वो पिघल जाएगा गाइस। इस तरीके से हमने यहाँ पे 20 ग्राम्स लिया है क्योंकि मैं 2 लीटर के लिए सॉल्यूशन बना रहा हूँ, डोजिंग जो है वो हिसाब से आपको इसको ले लेना है। एंड नाउ गाइस, जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि इस तरीके से आप अपना मेजरमेंट ले लें, उसी तरीके से बाद में उसको जीरो करके आप उसी के अंदर रीफ मिनरल सॉल्ट ऐड कर लीजिएगा गाइस। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रीफ मिनरल सॉल्ट, ये सॉल्ट की तरह होता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एयर लग गया है तो वो थोड़ा पिघल गया है गाइस। आपका जो वैक्यूम पैक उसको हमेशा रखिए सो दैट वो इस तरीके से पिघले ना। मेरा पिघल चुका है बट एक्सपायर्ड नहीं है तो इसलिए मैं उसको यूज कर रहा हूं गाइस। नाउ हमारा जो 25 ग्राम्स हमको रीफ मिनरल सॉल्ट लेना है, 10 ग्राम्स हमको मैग्नीशियम पैलेट्स लेने हैं 1 लीटर के हिसाब से। ओके गाइस, नाउ 10 ग्राम्स हमें मैग्नीशियम पैलेट्स लेने हैं और 25 ग्राम्स हमको रीफ मिनरल सॉल्ट लेना है। उसको अच्छी तरीके से 1 लीटर RODI वाटर के अंदर आप मिक्स कर लीजिए। आप एक फीडर या फिर एक एक्रेलिक स्टिक की हेल्प से या एक ग्लास स्टिक की हेल्प से आपके सॉल्यूशन को, आपके मिक्सचर को मिक्स कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि गाइस एक एक्रेलिक जो कि हैवी मटेरियल होता है और एक ग्लास स्टिक जो कि नॉन रिएक्टेबल होता है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। इसके लिए फीडिंग स्टिक या फिर एक ग्लास स्टिक की हेल्प से आप मिक्स कर लीजिएगा। इसको आपको जब तक मिक्स करना है गाइस जब तक आपका सॉल्यूशन जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट ना हो जाए, अच्छी तरीके से पानी के अंदर घुल ना जाए, भले ही उसके लिए आपको 15 मिनट लगे या 20 मिनट लगे, आप उसको अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा जब तक वो अच्छी तरह क्लियर मिक्स ना हो जाए। अब मिक्स हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से आपका पानी क्लियर होना चाहिए, आपका जो मैग्नीशियम है और रीफ मिनरल सॉल्ट है वो अच्छी तरीके से मिल जाए। उसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग ए लेना है, स्ट्रॉन्ग ए कंपोनेंट जो कि आपको एक मेजरमेंट सिरिंज की हेल्प से 5 ml यूज करना है गाइस। 5 ml मेजरमेंट के लिए आप एक बेबी फीडर जो दवाई देते हैं उसमें भी 5 ml होता है और एक सिरिंज जो होता है उसमें भी आप 5 ml चेक कर सकते हैं गाइस। इस तरीके से आप 5 ml निकाल लें इंजेक्शन में और अपने जो वेसल है, जो बर्तन है जिसमें भी आप मिक्स कर रहे हैं उसमें आप इसको डालें। आप कोई स्टील आयरन का बर्तन ना लें, आप हैवी फाइबर या तो फिर ग्लास का ही वेसल लें, ये चीज का आप ध्यान दीजिएगा गाइस। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बी कंपोनेंट आपको लेना है, उसमें से भी आपको 5 ml स्ट्रॉन्ग बी लेना है गाइस। स्ट्रॉन्ग बी कंपोनेंट जो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके इसको परचेस कर सकते हैं। नाउ ये दोनों स्ट्रॉन्ग ए स्ट्रॉन्ग बी कंपोनेंट डालने के बाद आप अपने सॉल्यूशन को जो आपने मैग्नीशियम डोजिंग के लिए बनाया है उसको आप अच्छी तरीके से 5 मिनट के लिए मिला लीजिएगा, सो दैट आपका स्ट्रॉन्ग ए और स्ट्रॉन्ग बी अच्छी तरीके से मिल जाए। अब 5 मिनट अच्छी तरीके से उसको शेक करने के बाद आप इसको एक हैवी फाइबर या तो हैवी मटेरियल या ग्लास बॉटल के अंदर, एक्रेलिक बॉटल के अंदर या हैवी फाइबर प्लास्टिक बॉटल के अंदर आप इसको रख सकते हैं गाइस। इस तरीके से आपका जो सॉल्यूशन है मैग्नीशियम का वो डोजिंग आपका रेडी हो जाएगा। नाउ यहाँ पे एक बॉटल के अंदर हमने इसको स्टोरेज के लिए रख लिया है फिलहाल के लिए। मैं डोजिंग करता हूँ डोजिंग पंप से, डोजिंग पंप के ऊपर भी मैंने गाइस वीडियो बनाई हुई है, अगर जो आपको डोजिंग पंप के ऊपर वीडियो देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं गाइस, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा मैं। नाउ और अगर जो आपको मैन्युअली डोज करना है तो मैन्युअली डोज करने के पहले आप ये चीज जान लें कि आपके टैंक का मैग्नीशियम लेवल होना चाहिए 1200 टू 1400 ppm। यस गाइस, हमारे टैंक का जो मैग्नीशियम लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए 1200 टू 1400 ppm।
अब आपको जो डोजिंग करना है उसके लिए आपको क्या करना है। डोजिंग करने के पहले आप एक चीज का ध्यान दीजिए कि आप अपने टैंक का जो लेवल है वो मेजरमेंट कर लें। मेजरमेंट करने के बाद आप अपने टैंक के अंदर कितना मैग्नीशियम लेवल कम है उस हिसाब से आप डोजिंग करके आप अपने टैंक का लेवल वापिस चेक करें। वापिस टेस्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे टैंक का लेवल कम है या ज्यादा है। अगर जो ज्यादा बढ़ गया है तो आप 2-3 दिन के लिए डोजिंग बंद कर दीजिएगा। अगर जो कम है तो डोजिंग थोड़ी और बढ़ा दीजिएगा। और कभी भी जब डोजिंग करें तो जो फ्लो एरिया है वो एरिया में आप डोजिंग करें, वही एरिया में आप डोजिंग को डालें, ये चीज याद रखिएगा। और अगर जो आप डोजिंग पंप की हेल्प से डोजिंग कर रहे हैं तो वो हिसाब से आप सम्प में भी या फिर डायरेक्ट टैंक में भी आपके पाइपलाइन को कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। अब आपके टैंक का लेवल जो है 1200 ppm टू 1400 ppm के अंदर ही होना चाहिए। इस तरीके से आप अपना डोजिंग सॉल्यूशन बना सकते हैं और अपने टैंक में आपका मैग्नीशियम लेवल को मेंटेन रख सकते हैं गाइस। कैल्शियम डोजिंग कैसे बनाना है वो मैंने पिछले पार्ट में बता चुका है गाइस। अगर जो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाइए और वहां पे जाके देख लीजिए कि कैल्शियम के लिए अगर डोजिंग करना है तो किस तरीके से आप अपना कैल्शियम डोजिंग बनाएं। एंड गाइस, अगर जो आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए हैप्पी मंडे।